अस्सलाम वालेकुम मेरी तो फैमिली मम्मी करते हैं आप सब खैरियत से और मैं भी खैरियत से हूँ। और सुबह 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आज मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा लेट काम करने लगी हूँ। झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धोऊंगी और अभी तो मैं रूम की झाड़ू लगा लेती हूँ। धीरे धीरे ही कर लूँगी क्योंकि यार थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे सुबह से ही जब से मैं सोच रही हूँ जब से ऐसे हो रहा है। और अजय से मैंने फ़ोन ले लिया तो नाराज़ हो रहे हैं कि फ़ोन ले लिया मैंने तो इसलिए वजह से शांत शांत बैठे हुए हैं। उसके बाद मैं झाड़ू लगा के काम हो गया मेरा और मैं अब नहाने जा रही हूँ। देखिए मेरा काम पूरा क्लीन हो गया साफ सुथरा तो हो गया। उसके बाद मैं जो मेरे कपड़े हैं इनको मैं आयरन कर लूँगी। देखो ये रूम भी साफ़ हो गया है और उसके बाद यहीं पे बेड पे बैठ के मैं कपड़े आयरन कर लूँगी। वैसे हमारा टेप वगैरह तो है नहीं इसकी वजह से मैं कभी किसी यहीं बैठ के यहीं पे कर लेती हूँ और अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे बोर्ड भी करीब है तो इसकी वजह से सही तरीके से हो जाता है यहाँ पे। और ये थोड़ा कॉटन का सूट है इसकी वजह से इस पर तो बहुत ज़रूरी होता है करना क्योंकि कॉटन के कपड़े जो होते हैं तो जल्दी वो सिकुड़न से जाते हैं इसकी वजह से मुझे जल्दी इस पर ज़रूरी होता है करना। देखना कैसे सिकुड़न से आई हुई तो इसको बहुत ज़रूरी होता है। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं आयरन कर रही हूँ तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। मैं अब ये थोड़ा आयरन कर लेती हूँ उसके बाद मैं आपसे वहाँ की मिलती हूँ। फिर उसके बाद ये मुझे इतनी जिद करने लगे कि मतलब मुझे दुकान पर जाना है कुछ लेके आना खाने के लिए चीज़ वगैरह तो मैंने कहा कोई था नहीं घर पर और आजकल बच्चों को इतना उठाया जा रहा है सुनने में आ रहा है तो डर लग रहा है इसकी वजह से मैं कहा चलो मैं दिला के लेके आती हूँ। वैसे मैं दुकान पर बहुत कमी से जाती हूँ मैं जाती नहीं हूँ। बच्चे होते कोई होता तो दिला लेते हैं। बच्चे स्कूल गए हैं और अभी कोई है नहीं घर पे बड़ा भी कोई था नहीं क्योंकि दादा बनते ये उम्र के दोस्त थे तो मैं इनसे पूछ रही थी कि इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था ना तो मैं पूछ रही थी तो मेरे पास में रहते हैं उम्र के क्लासमेट थे तो मैं इनसे पूछी थी इन्होंने एडमिशन क्यों छोड़ दिया अपना। उसके बाद वो चले गए मैंने फिर ज़्यादा नहीं पूछा। उसके बाद हम दुकान पे आ गए और दुकान पे ये जो है इतनी सारी चीज़ें को देख के कन्फ्यूज़ हो रहा था कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। बच्चों को तो बच्चे इतनी सारी चीज़ देखेंगे तो कन्फ्यूज़ होंगे तो इन्होंने एक आध दो तीन चीज़ें ली। उसके बाद मैंने देख के दो तीन चीज़ें दिलाती हूँ वहाँ से। उसके बाद फिर सामने सब्ज़ी वाली मिल गए थे मुझे टमाटर नहीं था आलू नहीं थे तो मुझे टमाटर आलू ले लिए मैंने और सब्ज़ी तो थी टमाटर और आलू नहीं थे तो मैंने वो ले लिया। फिर मैं घर जाने लगी हूँ। घर जाने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट वगैरह करूँगी क्योंकि अभी 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। अब ये शाम रात का वक्त है मैं खाना बना रही हूँ। हींग जीरा डाल के इसमें मैंने प्याज हींग जीरा डाल के इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये हरी मिर्च के मैं अरबी बना रही हूँ। हरी मिर्च की अरबी मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो बना रही हूँ। कभी कभी बिना मसाले की भी बनाने का मन करता खाने के लिए तो वो बना रही हूँ। मैंने हींग जीरा हरी मिर्च डाल दी उसमें। उसके बाद थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें भून लिया। उसके बाद अरबी डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल दिया। इतना पानी डालो कि ये गल जाए। उसके बाद मैं हल्दी डालना भूल दी। हल्दी डालना मैं हमेशा भूल जाती हूँ। वो तेल में डालते हैं जिससे उसकी कच्चापन मर जाए और लेकिन फिर मैंने इसी पानी में मिला दिया थोड़ा सा साइड से ले करके पानी में मिला दिया। और फिर उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको पकने रख देंगे। ये भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। मिर्च वगैरह का सही से होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और मिर्च अपने हिसाब से तुम कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार डाल के इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए पक जाएगा। उसके बाद ये खाने को बन गई है और अब रात का वक्त हो रहा है और सब बच्चों ने खाना खा लिया। मेरे हस्बैंड खाना खाने के लिए मना करेंगे मुझे भूख नहीं है तो ये मैं अपना खाना खा लूँ। देखो रात का वक्त है अब मैं वीडियो का एंड करने लगी हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। दुआ में याद रखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।